सर्वशाखीय ओबीसी कुणबी समाज के तत्वावधान से ओबीसी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर नागपुर स्थित संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृति समिति के पदाधिकारी समेत विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार विशेष रूप से उपस्थित थे। विजय वडेट्टीवार समेत सर्व विधायक आगे देखना है, रोचक रहेगा। आंदोलन किस प्रकार से देश की सियासत राज्य की सियासत में प्रभाव डालेगा। मराठा समाज द्वारा आरक्षण की निरंतर मांग के चलते राज्य की सियासत में जिस प्रकार से तूफान आ चुका है, इसका सीधा असर कुणबी समाज पर हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिनों पहले सियासी नेताओं द्वारा बयान दिया गया था कि मराठी समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए। इसके बाद से ओबीसी समाज भी बड़ी मात्रा में इस मांग की खिलाफत कर रहा है। उसी श्रृंखला में नागपुर स्थित संविधान चौक पर सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी समाज के तत्वावधान से अस्थायी धरना प्रदर्शन जारी किया गया है, जो कि लगभग 7 दिन चलेगा, जहां नागपुर के सभी पार्टियों के विधायक, सर्वपक्षीय ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, साथ ही साथ विशेष रूप से विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार समेत विधायक परिणय फुके, विधायक समीर मेघे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन तायवाड़े आदि विशेष रूप से उपस्थित थे, जहां कृति समिति के पदाधिकारी पुरुषोत्तम शाहनी पाटिल, अखिल कुणबी समाज, राजेश काकड़े, जान राव केदार पाटिल, बहुदेशीय तिरड़े कुणबी संगठना, जगतगुरु तुकाराम महाराज सेवा समिति, प्रहलाद पटोळे अखिल कुणबी समाज, अवंतिका लेकुरवाड़े महाराष्ट्र राज्य कुणबी तृती समिति, बाबा तुमसरे बावनी कुणबी समाज, गुणेश्वर आरिकर, सुरेश गुड़ते पाटिल, खैरे कुणबी बहुद्देशीय विचार मंच, बहुद्देशीय तिरड़े कुणबी संगठना, राजेंद्र कोटे जाधव कुणबी संघटना आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो आहे। ओबीसीच्या वाट्याचं कोणालाही देऊ नये ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे। ज्याला द्यायचं असेल त्यांना ईडब्ल्यूएचच्या धर्तीवर द्यावं, त्यामध्ये कोणाचाही विरोध नाही। सरसकट प्रमाणपत्र देण्याला आमचा विरोध आहे आणि ती जी मागणी कृती समितीने केली आहे तीच आमची सुद्धा मागणी आहे। म्हणून मी पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो आहे आणि त्या लढाईमध्ये मी सहभागी आहे। जनतेने तो आंदोलन हाती घेतलेला आहे, त्या आंदोलनाला पाठिंबा देत असताना राजकीय त्याला कुठलंही स्वरूप येऊ नये ही त्यामागची भूमिका होती। हे आंदोलन जनचळवळीमधलं आंदोलन आहे आणि अशा स्थितीमध्ये त्याला राजकीय स्वरूप मिळू नये म्हणून मी मंचावर बसलो नाही, त्याचा दुसरा कुठलाही अर्थ नाही। शेवटपर्यंत पाठिंबा राहील। मंचावर न बसण्याचं कारण एवढंच की त्याला राजकीय स्वरूप येऊ नये। ओबीसी कुणबी समाजाची जी मागणी आहे त्याला पाठबळ सर्वांनी दिलं पाहिजे। पक्षाची पलीकडे जाऊन त्याचा त्यांना सपोर्ट मिळाला पाहिजे म्हणून आम्ही मंचावर बसलो नाही। सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी समाज के तत्वावधान से नागपुर भव्य अस्थायी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां की सभी पार्टियों के विधायक यहां मौजूद है। जैसा कि आपने देखा, कुछ देर पहले ही विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अपना अभिमत यहां व्यक्त मीडिया के सामने किया है। दर्शकों देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से यहां सभी पार्टियों के विधायक यहां उपस्थित है। कांग्रेस से लेकर भाजपा और सभी पार्टियों के विधायक सभी लगभग उपस्थित है। साथ ही साथ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी लगभग सभी उपस्थित है। तो इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि यह किसी भी पार्टी का आंदोलन न होते हुए ओबीसी के हक का और ओबीसी समाज के अधिकार का, कुणबी समाज के अधिकार का यह आंदोलन है। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नागपुर स्थित संविधान चौक पर, जहाँ की अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ नारे भी दिए जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से संत तुकाराम, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की प्रतिमा यहाँ लगाई है। सभी ओबीसी बोल सकते हैं ओबीसी समाज सेवकों की, छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ प्रतिमा लगाई गई है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि आगे चलकर किस प्रकार से प्रभाव सियासत पर पड़ेगा इसका, राज्य की सियासत पर, साथ ही साथ देश की सियासत पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, यह देखना काफी रोचक रहेगा। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टिमरे, एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर। धन्यवाद।